Hello everyone. As I said, we are giving counseling kit to the school. And here is I am going to give you demonstration that how to use that kit. अभी आपको जो पोस्टर मिले होंगे उसमें तीन पोस्टर है, उसमें पहले हम समझेंगे नर्सरी किट. सो अगर नर्सरी का पेरेंट्स एडमिशन के लिए आया हो तो हम उससे कैसे बात करेंगे. हियर आई एम गोइंग टू शो यू दैट अ स्मॉल डेमो ऑफ दैट थिंग. फॉर एग्जाम्पल, नर्सरी पेरेंट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, देन आई जस्ट टेक जनरल इन्फॉर्मेशन एंड देन आई टेक आउट द पोस्टर. दिस पोस्टर इज दिस रेड इन कलर, नर्सरी इज रिटन ओवर द पोस्टर. नाउ हम पेरेंट्स को समझाएंगे कि ये पूरा जो पोस्टर है वो बताता है कि किस डोमेन में क्या लर्निंग होगा, कैसे होगा. जैसे हम बोलेंगे कि फॉर नर्सरी जो डेवलपमेंटल एरियाज है वो है एकेडमिक स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ये चारों स्किल्स का हम डेवलपमेंट करवाते हैं थ्रू आवर सिलेबस एंड आवर लर्निंग मेथोडोलॉजी. नाउ लर्निंग अप्रोचेस जो है वो ऐसे है कि बच्चे को मजा आए, बच्चा ऐसा बोले कि नहीं मुझे स्कूल जाना है, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल एवरी डे एंड मीट माई टीचर. ऐसे ही हमने एक्टिविटीज सब डेवलप किए हैं जिसमें बच्चा एक्सपीरियंस करे, एक्सप्लोर करे, एंगेज हो, रिलेट करे, फील करे, खेले. यस, प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ लर्निंग. और प्रैक्टिस भी करे ताकि वो आगे जाके वो चीजों को याद कर सके. सो ऐसा ब्लेंडिंग वाला लर्निंग अप्रोचेस हमारा है. नाउ आपको क्वेश्चन होगा एज अ पेरेंट कि चलो बच्चे को हम क्या क्या पढ़ाते हैं, तो मैं उसका आपको एक छोटा सा ब्रीफ दूंगी. फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे बात करें लिटरेसी की. सो लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिटरेसी बच्चे को सिखाती है कि लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है, पढ़ते कैसे हैं, लिखना क्यों है. और अभी हम यहाँ पे मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश लैंग्वेज से बच्चे को परिचित कराएंगे. जैसे इंग्लिश के मेन है 26 फोनिक साउंड. सो बच्चे को एंड ऑफ द ईयर वो सारे फोनिक साउंड्स याद होंगे, बच्चा उसे रिलेट कर पाएगा. जैसे कहाँ भी आपके साथ आया और अल्फाबेट देखेगा तो वो उसे रिलेट कर पाएगा, ये है साउंड ए. जैसे कहाँ पे भी उसने लिखा, जैसे जैम की बॉटल है वहां पे लिखा है जे ए एम, जैम. तो बच्चे को इतनी एबिलिटी डेवलप हो गई होगी कि वो देख के पढ़ेगी ये क्या है, ममा ज ए म जैम. सो वी आर फोकसिंग इन नर्सरी दैट किड्स will aware with all the letters and sounds, capital and small, and they will be aware with the decoding. किसका sound क्या है, capital कौन सा है, कैसा दिखता है, small letter कैसा दिखता है, और sound picture association. मतलब बहुत सारे pictures से हम ये practice करवाते हैं तो वो whole word identification भी बच्चा सीखता है. भी literacy के बाद आती है numeracy. Numeracy मतलब mathematics. वो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब नंबर्स का इंट्रोडक्शन करवाते हैं. तो नंबर्स का जो इंट्रोडक्शन होता है वो रोट और रैशनल काउंटिंग की तरह होता है, जहां पे बच्चा नंबर्स को उसके यूनिट के साथ और वैल्यू के साथ डिफाइन कर सके. जैसे मैं ये बोलू कि मेरे हाथ में अभी ये क्या है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज एक है तो मुझे बोलना है कि मेरे हाथ में ये एक ट्रॉफी है, मेरे हाथ में अभी दो पेंसिल है. ऐसे बच्चा यूनिट और वैल्यू को एसोसिएट कर पाएगा और ये सारी बातें उसके नॉर्मल कम्युनिकेशन में आए ऐसी वर्कशीट्स और एक्टिविटीज है. नंबर एप्लीकेशन भी हम बहुत मतलब इजीली बच्चे को समझ में आए ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं विद पिक्चर्स एंड विद एक्टिविटीज. नाउ नेक्स्ट है प्री मैथ एंड कॉग्निटिव स्किल्स. प्री मैथ मैथ से अलग है, जहां पे बच्चा एक पैटर्न, कलर, शेप, वो सब ऐसे थिंकिंग पैरामीटर है जिससे इमेजिनेशन और कॉग्निशन डेवलप होता है. फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे को बोले कि एक बड़ा रेड एप्पल, मतलब बड़ा मतलब बिग, रेड मतलब कलर, एप्पल वो विजुअलाइज किया, उसका शेप याद किया. तो इस तरीके से ये सारे पैरामीटर का इंट्रोडक्शन होगा कि बच्चे की इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप हो. और उसके टॉप अप में वील टेक देम टू कॉग्निटिव स्किल्स. नाउ कॉग्निशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज दिस टाइम बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स ट्रीट स्मार्ट चिल्ड्रन. बच्चे के सामने कोई भी चैलेंज आए,
तो वो उसका आंसर निकाल सके। कॉग्निशन का मतलब है आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करके जो ब्रेन है वो ऐसा सॉल्यूशन निकाले जो उस समय पॉसिबल है। वो हमने बहुत एकदम लिटिल मात्रा में वी हैव यू नो ट्राई टू इंट्रोड्यूस हियर, जो बच्चों को आगे जाके मतलब जूनियर में जब जाएंगे तब उसकी इंटीग्रिटी और बढ़ेगी और सीनियर में उस वही सेम पैटर्न मेंटेन होगी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स। नाउ एनवायरमेंटल स्किल्स। एनवायरमेंटल स्किल्स को हम लेते हैं कि बच्चे को अभी अपने आसपास के वर्ल्ड का नॉलेज चाहिए। दे वॉन्ट टू नो मैनी थिंग। आपको मालूम होगा कि आपको आपका बच्चा पूछता है कि पापा ये कौन सा फ्रूट्स है, ये क्या है, ये कौन सा वेजिटेबल है, इसको क्यों खाना चाहिए, बेनिफिट क्या है, ये फ्लावर कौन सा है, फ्लावर कहाँ से आया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे के मन में होते हैं। तो हमने इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट वी हैव टेकन ऑल दिस थिंग्स, जो टीचर बच्चों को बताएंगी वो एज ए इंफॉर्मेशन बच्चे के पास आएगा, जिससे बच्चे की क्यूरियोसिटी भी डेवलप होगी, क्योंकि जब वो कुछ जानेगा उसको ज्यादा जानने का मन होगा। सो हियर आवर ईवीएस विल डेवलप देयर क्यूरियोसिटी एंड नॉलेज। और उसमें जो नॉर्मल टॉपिक्स है जो बच्चे को फॉर 3+ years मतलब 3 साल के बच्चे को इम्पोर्टेंस है जानने के लिए, वो सारे टॉपिक्स वी आर कवरिंग हियर। राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस वी डू इन सर्टेन वे, जहां पे बच्चे को उसका प्रेशर भी ना हो और बच्चा इजीली उसको कर पाए, जहां पे हम कैपिटल लेटर और नंबर राइटिंग पे फोकस करेंगे, 1 to 20 और ऑल द कैपिटल लेटर्स। नाउ राइम्स, वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स डेवलपमेंट। इफ मैं आपको बोलूं कि जैक एंड जिल राइम है, तो नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं कि जैक एंड जिल चलो बच्चे को हम रिसाइट करवाते हैं। यहाँ पे हमने एक अलग अप्रोच लिया है, जहाँ पे बच्चा उसके म्यूजिक ट्रैक के साथ राइम को खुद सिंग करे। तो जैसे हम करियोके में करते हैं वैसा ही सेम एक्सपीरियंस स्कूल में होगा, जहाँ पे बच्चा पहले राइम सुनेगा फिर उसको प्रॉप के साथ परफॉर्म करेगा, क्योंकि प्रॉप के साथ परफॉर्म करने से बच्चे की कई सारी एबिलिटी का डेवलपमेंट होता है। जैसे प्रॉप के साथ बच्चा ये सीखता है कि मैं इनेक्ट कैसे करूं, ड्रामा थिएटर, ये सब हिडन स्किल्स है जो बच्चे की इस उम्र पे अगर प्लेटफॉर्म मिला तो दे एंजॉय लर्निंग, दे बिकम वेरी मच आउटस्पोकन। सो यहाँ राइम्स और स्टोरीज के थ्रू वी आर डेवलपिंग दैट स्किल ऑफ ड्रामा थिएटर, इनेक्ट, कैरियोके, सिंगिंग। सो दैट इज समथिंग वेरी यूनिक अप्रोच व्हाट आवर स्कूल अप्लाइज हियर। नाउ एक्टिविटीज एंड सेलिब्रेशन। When preschool is there, definitely we'll look for some activities and celebration. And here in our school, we make our parents also part of it. So in certain activity, we invite parents, जहाँ पे बच्चे कुछ अपने आप बनाते हैं, जैसे for example parent day or maybe any day when we are celebrating, like family member comes to the school and children are making something and they are gifting something. These are the lifetime memories for you parents. And for festivals, we explain children the importance of the festival, they make something and they take that at home as a takeaway. So this is how we enjoy all the activities and celebrations like a family. Creative visualization. This is important because hum agar wo soche ki bacche ke dimag mein koi bhi cheez creatively थॉट प्रोसेस में जानी चाहिए, तो उसके लिए बच्चों का हमें इग्नाइट करना पड़ता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के लिए वी आर यूजिंग द वंडरफुल टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड विद दैट टेक्नोलॉजी इज देयर, जहाँ पे हम सिंपल कलरिंग को एक अलग लेवल पे ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे ने एक प्लेन को कलर किया, टीचर उसको वो प्लेन लाइव दिखाएगी। जैसे आपके बच्चे ने उसे ऑरेंज कलर से कलर किया, टीचर बोलेगी अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, आप इसमें अभी और कोई कलर डाल के इसे और अच्छा भी बना सकते हो। देन किड्स विल हैव आइडिया। सो वी आर मोटिवेटिंग किड्स टू डेवलप देयर इमेजिनेशन स्किल्स एंड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। ओह वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन मोटर स्किल्स। अभी जो कोविड गैप की वजह से मे बी बच्चे प्ले ग्रुप में जो जा रहे हैं वो शायद नहीं भी गए हो, तो यहाँ पे ये फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे हम ये स्टेंसिल्स की मदद से करवाते हैं। बच्चा स्टेंसिल्स लेके उसकी मदद से यहाँ पे ट्रेसिंग करता है,
ये स्टेंसिल्स ऐसे बनाई है कि जिसमें बच्चे की जो भी पैटर्न डेवलपमेंट, मतलब उसका जो भी स्ट्रोक्स आएगा जिससे पैटर्न डेवलपमेंट होगी, फाइन मोटर स्किल्स, जो मसल्स है वो मसल्स डेवलपमेंट होगा, एंड उसको जो भी राइटिंग कराना है जैसे कैपिटल एंड नंबर्स, दे विल हैव द आइडिया इन हाउ टू गिव द स्ट्रोक्स एंड एवरीथिंग. सो ये क्रिएटिवली बच्चा बहुत एंजॉय करता है. इससे आप सैंड पिट में भी करवाते हैं, हम इसे हम ऑयल पेस्ट से, कलर से भी करवाते हैं, पेंट से भी करवाते हैं. सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग के जहाँ पे बच्चे को मजा भी आए स्टेंसिल से और उसकी फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप हो. अप्रिसिएशन, बच्चे को आपको मालूम होगा कि आप कुछ भी, मतलब स्टिकर्स, किड्स आर वेरी मच फैसिनेटेड विथ इट. तो यहाँ पे हमने ऐसे मोटिवेशनल स्टिकर्स, जैसे बच्चे ने आज बहुत अच्छा किया तो वो स्कूल में से लगा के आता है हाथ में नीट वर्क और दे विल शो यू, मम्मा मम्मा आज मुझे टीचर ने ये स्टिकर दिया. सो दे विल एडिंग समथिंग जॉय टू देयर डे एंड वी आर ट्राइंग फॉर इट एंड वी आर डूइंग ऑल एफर्ट्स वेर वी कैन एड जॉय टू अवर चिल्ड्रेन. यस, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्लैश कार्ड्स. फ्लैश कार्ड्स जो है वो एक ऐसी चीज है जिससे ग्रुप लर्निंग हो सकता है, इंडिविजुअल मेमोरी एंड रिकॉल हो सकता है, वन टू वन कम्युनिकेशन हो सकता है, ऑनलाइन लर्निंग हो सकता है. जैसे ऑनलाइन में टीचर पूछते हैं, अभी क्लास चल रहा है तो हम जैसे ऑनलाइन में बच्चों को भी पूछ सकते हैं कि चलो यू टेक आउट योर फ्लैश कार्ड एंड शो मी वेर इज योर जीरा, तो वो एंगेजिंग होगा. जब ऑफलाइन लर्निंग होता है स्कूल में तो हम इसको ग्रुप एक्टिविटी की तरह यूज करते हैं. और आप घर पे भी अपने बच्चे के साथ जब उसका रिवाइज करवाना चाहते हो तो नर्सरी के बच्चे के लिए अगर वो आइडेंटिफाई कर दे तो भी बहुत है, एक बहुत अच्छा आपको मिलेगा रीजन टू कम्युनिकेट विद चाइल्ड. सो ये जो फ्लैश कार्ड है वो आपको पेरेंट को भी बहुत उपयोगी है, क्लासरूम में फॉर ऑफलाइन भी बहुत उपयोगी है और ऑनलाइन में भी यूज हो सकते हैं. हियर वी आर डूइंग दिस मच एक्टिविटीज फॉर द स्टूडेंट. सो From here, I request all the schools that they can design this activity list on their own. जो भी activities आप करवाना चाहते हो आप इसमें लिख सकते हो और parents को बता सकते हो. यहाँ पे है events, जो events आप plan करते हो you can write those event and you can show it to parents. Here same with the parent collaboration, how you do it monthly, weekly, quarterly, whatever it's your school's like mechanism, you can go accordingly. Celebrations, whatever the festivals you are celebrating, you can write down this. So here it was, that's all about, and this is how we are going to develop all the skills. So thank you very much.